नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि कुछ वीडियो से लास्ट से मैं आपको दशा फल के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो लास्ट जो वीडियो हमारी आई है उसमें बताया है कि चंद्र की महादशा में शनि की अंतरदशा के फल कैसे होंगे। तो आज हम उससे आगे चलते हैं और चंद्र की महादशा में बुध की अंतरदशा के फल पढ़ते हैं कि चंद्र की महादशा हो और बुध की अंतरदशा हो तब कैसे फल मिलते हैं जातक को, वो आज हम लोग देखते हैं। तो मैं ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए सब्जेक्ट पे आता हूँ सीधा। इसमें कहा गया है, ऋषि पाराशर ने ही बताया है सारा, ये जितना भी था वो मैत्रेय को ही बता रहे हैं ऋषि पाराशर। वो कहते हैं चंद्रस्या अंतर्गते सौम्य, चंद्रस्या अंतर्गते सौम्य केंद्र लाभ त्रिकोण गे, यानी चंद्रस्या अंतर्गते यानी चंद्र की दशा में, चंद्र की दशा में शनि की अंतर्दशा किसमें सौम्य, सौम्य मीन्स बुध, बुध को सौम्य ग्रह बोला जाता है। चंद्रस्या अंतर्गते सौम्य केंद्र लाभ त्रिकोण गे, चंद्र में बुध की अंतर्दशा हो और वो केंद्र लाभ और त्रिकोण भाव में बैठा हो, स्वरक्षे स्वराशि में हो, निजांश के यानी स्वनवांश में हो, सौम्य तुंगे व बल से युक्त, और जो ग्रह है बुध है वो उच्च राशि का हो और षड बल में बली हो। ये वो कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि चंद्र की महादशा में शनि बुध की अंतरदशा हो और बुध केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में बैठा हो, अपनी राशि में हो, अपने नवांश में हो या उच्च राशि में हो, बल के साथ हो, षडबल में उसका बल हो, तो क्या होता है धनागमो, धनागमो मीन्स धन का आगमन होता है, धन आगमन होता है, राजमान प्रिय वस्त्र लाभाधिकतम, राजा से सम्मान मिलता है और वस्त्रों का लाभ होता है। राजा से सम्मान मिलना, जैसे मैं पहले भी वीडियो में बोलता रहता हूं कि राजा सम्मान मिलना मतलब जहां भी आप काम करते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहां से आपको नेम फेम होता है, आपका आपकी एक आइडेंटिटी बनती है, तो वहां से एक लाभ होता है। तो ये चीज बताई है। दूसरा उन्होंने कहा है इसी कंडीशन के ऊपर ही, विद्या विनोद सदगोष्ठी ज्ञान वृद्धि सुखावहा, यानी विद्या की प्राप्ति होती है, विनोद, विनोद मतलब थोड़ा बहुत मजाक प्रिय वो बन जाता है, आपकी आदत बन जाती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, सुख प्राप्त होता है, संतान प्राप्ति, संतोष हो, संतोष प्राप्त होता है, वाणिज्या धन लाभगत, धन का लाभ होता है, वाहन छत्र संयुक्त नाना अलंकार लाभप्रद। क्या मतलब इसका कि वाहन के साथ और छत्र के साथ, छत्र जैसे पुराने जमाने में लोग छत्र लेके चलते थे राजा के साथ, इसलिए छत्र को बोला जाता है, बड़ी लग्जरी आइटम मानी जाती है छत्र, तो मतलब यह है कि लग्जरी आइटम की, लग्जरी चीजों की प्राप्ति होगी। तो वाहन छत्र इस प्रकार के अलंकार जितने भी है, नाना प्रकार के भूषण है, आभूषण है, उनकी प्राप्ति होती है। तो ये ध्यान रखना है कि बुध यदि केंद्र त्रिकोण और एकादश भाव स्वय राशि उच्च राशि या स्वय नवांश में हो और षडबल में बली हो, तो बुध की अंतरदशा में धन का आगमन होता है, राज सम्मान होता है, अभिश्वस्त साधवी का लाभ होता है, सत्संग होता है, संतान प्राप्ति होती है, संतुष्टि होती है, व्यवसाय में लाभ होता है, कीमती वाहन प्राप्त होते हैं और आभूषणों की भी प्राप्ति होती है। इसके बाद वो बताया गया है यदि दायश्य केंद्र त्रिकोण गे वा लाभे वा धन गे अपि वा विवाहो यज्ञ दीक्षा चैदान धर्म शुभाधिकम, यानी ये बोलते हैं यानी बुद्ध की महा, बुद्ध महादशा स्वामी से, बुद्ध जिसकी अंतरदशा है, चंद्रमा की महादशा है, बुद्ध अगर महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो या धन गेयपी वा, धन गेयपी मीन्स द्वितीय भाव में हो, केंद्र त्रिकोण द्वितीय या लाभ भाव में हो, बुद्ध जिसकी अंतरदशा है वो महादशा स्वामी से अगर केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो, पहले वो लगन से केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में बात थी जो पिछले श्लोक में हमने बात की थी, यहां पर बात हो रही है कि महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो और धन भाव में हो, तो ऐसी दशा में राज प्रीति करश्चय विद्व जन समागम मुक्तामणि प्रवालिनी वाहनम बार भूषणम आरोग्य प्रीत सौख्यम चय सोमपादिकम सुखम, यानी ऐसी दशा में बुद्ध की अंतरदशा में, ऐसे दशा में यज्ञ प्राप्त होता है, दीक्षा प्राप्त होती है, शुभ कार्य संपन्न होते हैं, राजा के प्रिय बनते हैं आप, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी नेम फेम होता है, आपकी आइडेंटिटी बनती है, विद्वानों से आपका सहचर्य होता है, विद्वान लोगों से आप मिलते हैं, आपको रत्नों की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो ये इसके अंदर बताया गया है कि अगर महादशा स्वामी से केंद्र में हो बुध, त्रिकोण में हो लाभ भाव में हो या द्वितीय भाव में हो, तो ये काउंट करके देखिए अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसा है तो निश्चित है कि इस तरह की चीजें आपको मिलेगी, इस तरह की चीजें प्राप्त होंगी, आप राजा के प्रिय होंगे, विद्वानों से आपका साहचर्य होगा,
विवाह हो सकता है, रत्नों की प्राप्ति होगी, धन का आगमन होगा, विद्या का लाभ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका ध्यान देना। इसके बाद बताया गया है, दायशाद रिपुरंधस्ते व्यय वीच गेयपी व तद्भुक्तो देह बाधा च कृषि गो भूमि विनाशनम कारागृह प्रवेश दार पुत्रा पीड़नम द्वितीय दुन्य नादे चैतु चर्पड़ा महत भयम छाग दानम प्रपुर वृत्ति वैष्णु सहस्त्राम सपेत। यानी ये बोलते हैं, यदि बुद्ध, अभी तो बुद्ध महादशा स्वामी से त्रिक भाव में स्थित हो, इससे पहले श्लोक में कहा गया है कि बुद्ध जो है वो चंद्रमा जिसकी महादशा चल रही है उससे केंद्र त्रिकोण लाभ और द्वितीय भाव में। अब बोला गया है कि यदि बुद्ध महादशा स्वामी से त्रिक भाव में हो, छठे आठवें या बारहवें भाव में हो, तद भुक्तो देह बाधा, तो देह में बाधा होती है। कृषि गो भूमि नाशनम, कृषि का नाश होता है, गौ का नाश होता है। कारावास कारागृह प्रवेश दार पुत्रादि पीड़नम, कारागृह हो सकता है, जेल हो सकती है, स्त्री और पुत्र को पीड़ा हो सकती है, ज्वर पीड़ा हो सकती है, भय रहता है ऐसे केस में। तो उस केस में इन्होंने ये कहा है कि ऐसे केस में जब इस तरह की प्रॉब्लम हो तो बुध ग्रह की शांति के लिए छागदान या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यानी अगर चंद्र की महादशा हो और बुध महादशा स्वामी से छठे आठवें और बारहवें भाव में हो, ध्यान रखिए लगन से नहीं, छठे आठवें बारहवें भाव महादशा स्वामी से त्रिक भावों में हो और नीच राशि में हो, तो बुध की अंदर दशा में शारीरिक कष्ट होता है, कृषि गौ भूमि आदि का नाश होता है, कारावास होता है, संतान और पत्नी को कष्ट होता है। और बुद्ध यदि द्वितीयेश और सप्तमेश हो, अब बुद्ध मारक हो, द्वितीय भाव का स्वामी हो और सप्तम भाव का स्वामी हो, तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों मारक स्थान कहलाते हैं। तो बुद्ध अगर द्वितीयेश और सप्तमेश बन गया तो जातक को ज्वर से पीड़ा होगी। लिखता है ना इसके अंदर, द्वितीय दंड आते हैं तो ज्वर पीड़ा महत भयम। यानी कि द्वितीयेश और सप्तमेश अगर बुद्ध बन जाता है तो जातक को ज्वर से पीड़ा होती है और महाभय होता है। तो ऐसे बुद्ध की शांति के लिए छागदान करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, तो ये शांति हो जाती है। तो अपनी कुंडली में चेक कीजिए कि बुध आपका लगन से कहाँ बैठा है और महादशा स्वामी से कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से आप उसके फल का आइडिया लगा सकते हैं और उसके लिए जो रेमेडी है वो भी आप सोच सकते हैं। और इसके साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का, जो भी इंटरेस्टेड हो वो अपना नाम एनरोल करा सकता है नंबर वगैरह पे दिए नंबर पे। और आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।